हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की है। और दूसरा भी नेक्स्ट वर्स, पहला और दूसरा, मैं अंग्रेजी में, अच्छा पढ़ दीजिए, पढ़िया। गॉड हु एट सन्ड्री टाइम्स एंड इन डाइवर्स मैनर्स स्पोक इन टाइम पास्ड ऑन टू द फादर्स बाय द प्रोफेट्स। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, ये कौन थे, वेद व्यास। कौन थे, हमारे हिंदुओं के एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे। ठीक, इसी के आधार पे लिखा है, गॉड हु एट सन्ड्री टाइम्स एंड इन डाइवर्स मैनर्स स्पोक इन टाइम पास्ड ऑन टू द फादर्स by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. मेरा सिर्फ आपसे कहने का सिर्फ धारणा ये है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि किसी को ऊपर करना हो या किसी को नीचे करना हो। पुराने नियम में, बाइबल में, जिस तरह से अभी आपने ये गवाही देखी भाई जगमोहन की, और जिन्होंने इशारा किया कि ओल्ड टेस्टमेंट यानी पुराने नियम में यशाया भविष्यद्दूता ने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये पुस्तक 700 वर्ष यीशु मसीह से पहले लिखी गई, और इसमें इस तरह से लिखा है, यशाया 9 और उसका 6 से मैं पढ़ूँगा। इसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, और अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। कितनी मुबारक बात इसमें लिखी है, ये बाइबल में लिखी, जो 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से हुई थी। इसी तरह उन्होंने भविष्य पुराण में से भी पढ़ के बताई, भविष्य पुराण भी यीशु मसीह से 700 साल पहले लिखा गया। ये बात मुझे आज पता लगी कि कैसे पुराणों में भी यीशु मसीह का जिक्र है, और जो हिंदू शास्त्र की सबसे पहली पुराना प्राण है। एनीवे, इसमें लिखा है कि ईसा मसीह इति नामम प्रतिष्ठम, ये पुराण जो थे संस्कृत में लिखे गए थे, और इसका अर्थ उन्होंने बताया इसमें, जो मोक्ष द्वार जो पुस्तक पंडित धर्म प्रकाश जी ने लिखी है उसमें इसका वर्णन है, और ये किताब जैसे उन्होंने कहा भी मिलती है, इसे मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है, जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, पवित्र, कल्याणकारी और मोक्षदायी है, जो मनुष्य के हृदय में वास करता है, उसी का नाम ईसा मसीह है, अर्थात जीसस क्राइस्ट, अभियुक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। कितनी मुबारक बात है, कैसा महान प्रभु है, इस सब का प्रभु है, किसी का पक्षपात नहीं करता। मुझे एक बात याद आई, मेरी एक ज्ञानी जी से बात हुई, और कैसा प्रभु अनुग्रह करता कि अपने लोगों से मिलवाता है, ये परमेश्वर के जन है। इन्होंने बताया कि ग्रंथ साहिब में एक बात लिखी है जो गुरु नानक जी की वाणी है, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ज्ञानी जी ने मुझे बताई, और उसमें लिखा है, मुझसे पूछने लगे, कहने लगे भाई ऐसे लिखा हुआ है कि नैन नबी मथा गुरु ते सरमसी। नबी का मतलब है जो दूर की भविष्य की बातें करता, भविष्यद्वक्ता जिसे कहते हैं। उसने कहा नैन जो दूर तक देखता है, मथा गुरु जो हमें शिक्षा देता है, और सरमसी हेड क्राइस्ट। तो कहने लगे जी मसीह का मतलब आप जानते हैं, मैंने कहा भाई मसीह का मतलब तो होता है यीशु मसीह से है, मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, चुना हुआ परमेश्वर का, और वो यीशु मसीह है। ये आपके इसमें लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कैसे उसने इन बातों को खोला। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम जिसे सत श्री अकाल कहते हैं, इसका मतलब समझते हैं, मैंने कहा नहीं जी आप बताएं। उन्होंने कहा इसका मतलब होता है सत श्री अकाल। कितनी मुबारकबाद और कैसी अच्छी बात इसमें लिखी है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वही बातें सामने आ रही हैं कि सर मसीह है। तो उन्होंने कहा सत का मतलब सच्चाई, और श्री का मतलब हेड, और अकाल का मतलब तो होता है एवरलास्टिंग, अनंत काल। अभी मैं पढ़ के बता रहा था, अनंत काल का पिता कहा गया है। सारा सब इशारा उसी तरफ जाता है। इसी तरह कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में तो बहुत कुछ लिखा है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन एक बात मैंने इसमें से पढ़ी, इस तरह से लिखी है कि यीशु मसीह जब छोटा ही था तो मिट्टी की चिड़ियाँ बनाया करता था, और उन्हें फूंक मार के उन्हें उड़ा देता था, जान डाल देता था, जीवन देने वाला है, मुर्दे जिंदा करने वाला है। कैसी मुबारक बात लिखी हुई है। मैं नहीं जानता कि कौन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रभु का रहम आप सब पर है जो इसे देख रहे हैं।
प्रभु आपको प्यार करता है, वो किसी का तरफदार नहीं है, किसी जाति का पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो उसे सच्चाई से ढूंढते उन्हें मिल जाता है। कैसे इन लोगों से मुलाकात होती है मेरी, और कैसे कैसे मैं गवाहियाँ इसीलिए लाता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर है, वो सब का प्रभु है। कि जैसे जगमोहन भाई ने अपने बारे में बताया कि कैसे कैसी दुष्टात्मा से जकड़ गए थे और कैसे प्रभु ने अनुग्रह किया है। मुझे नहीं मालूम इस प्रोग्राम को कौन देख रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ अगर आप देख रहे हैं तो आप मुबारक हैं, क्योंकि आप पर अनुग्रह करना चाहता है, क्योंकि हम में से एक भी इस लायक नहीं उसके आगे बैठ जाएं या उसके सामने खड़े हो सकें। लिखा है सब ने पाप किया और सब प्रभु की महिमा से रहित हैं, लेकिन क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। जैसे इसमें लिखा है, अभी मैं इसमें पढ़ के बता रहा था कि उन्होंने शास्त्रों में से पढ़ के बताया कि कैसे ये जो शास्त्र लिखा गया है जो उसमें से बताया, और ये मोक्ष द्वार में जिस जगह जिक्र है, और इसमें लिखा है कि वेद व्यास जी ने ये बात बताई। वेद व्यास, उन्होंने बताया कि ये हमारे हिंदुओं के भविष्यवक्ता या नबी हैं, और इन्होंने भी 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से लिखी है। इसी तरह यशाया नबी ने भी लिखी है। तो फरक फरक तरीकों से प्रभु बातें किया करता था अपने लोगों से। और जैसा इसमें लिखा है वचन में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक में कैसी ये बात दर्शाई गई है कि समय समय पर प्रभु अपने लोगों से बातें किया करता था और अपने भेदों को प्रकट करता था। इसमें लिखा है इब्रानियों, और उसका पहला चैप्टर और उसका अध्याय और उसका पहला दूसरा पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इस अंतिम दिनों में अपने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिससे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया है और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की है। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। फरक फरक तरीके से बातें करता था प्रभु, जैसे वेद व्यास जी ने लिखा है इसमें भविष्य पुराण में 700 साल पहले। मैं बार बार इसको बताता हूँ। इसी तरह यशाया ने भी यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखी है कि प्रभु सबसे बातें करता था, अपने भेदों को प्रकट करता था, क्योंकि प्रभु ने आपको जन्म दिया है, मुझे जन्म दिया है, वो आपका भी मुक्तिदाता है, मेरा भी मुक्तिदाता है, मेरा भी जन्मदाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कैसे इसमें लिखा है, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो सब बातें जानता है। इसमें भजन संहिता में लिखा है 139 में कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है, मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, ये बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। इसमें कोई शक नहीं, उसकी सोच हमारी सोच में तो आसमान ज़मीन का फर्क है। हम अपनी अकल से उसे नहीं पहचान सकते, लेकिन प्रभु की आत्मा आती तो सब बातें सिखाती है। किसने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, और मैं इसे बार बार अक्सर दोहराता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे उसने लिखा है कि किसी से शाने अकदस उसकी पहचानी नहीं जाती, किसी से शाने अकदस उसकी पहचानी नहीं जाती, नहीं जाती वहाँ तक अकले इंसानी नहीं जाती, नहीं जाती वहाँ तक अकले इंसानी नहीं जाती, वो कब पहचान सकता है खुदा की शाने अकदस को कि जिससे अपनी सूरत आप पहचानी नहीं जाती। अगर ख्वाहिश है उसको जानने की तो इल्म हासिल कर। मैं दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ प्रभु के वचन की। ये वचन प्रभु की गहरी बातों को खोलता है और आत्मा से भरता है। हम बहुत सी किताबें पढ़कर ज्ञान तो बटोर सकते हैं, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जब हम व्हेन वी रीड ऑल अदर बुक्स वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, बट व्हेन वी रीड दिस बुक वी गॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कर देता है जीवन को, बदल देता है। कैसा अनुग्रहकारी पिता है जिसने ये खजाना हमारे हाथ में दिया है और इस पर हर एक का अधिकार है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कौन इस बात को सुन रहा है, कौन इस बात को देख रहा है, लेकिन मुझे प्रभु ने इसलिए बिठाया है कि मैं बता दूँ वो प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आप किस हालत में मुझे नहीं मालूम, बिस्तर पर पड़े हैं, बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु अनुग्रहकारी है। मुझे यहाँ इसलिए बैठाया है ये बताने के लिए कि वो नाउम्मीदों की उम्मीद और बेसहारों का सहारा है। प्रभु आपको बहुत प्यार